तो हेलो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं अपने कि हैकिंग क्या होती है और हैकिंग हमें कैसे करनी होती है और हैकिंग कितने टाइप की होती है, तो आपको बता दिया जाता है कि आज हम अपने इस पे चैनल पे जिसका नाम है लेट्स हैक दी प्रोग्रामिंग, इस पे हम अपने एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एथिकल हैकिंग का है। आपको उसकी स्टार्टिंग बेसिक से लेकर एडवांस तक सब दिया जाएगा और ये हमारा जो कि है ये फर्स्ट लेक्चर है इथिकल हैकिंग का। अगर हम बात करें कि इथिकल हैकिंग होती क्या है, इथिकल हैकिंग हमारी देखी जाए मेनली दो तरीके की होती है। जो फर्स्ट होती है वो है इथिकल में और जो सेकंड होती है वो होती है अनइथिकल में। अगर हम बात करें इथिकल हैकर्स कौन होते हैं और अनइथिकल हैकर्स कौन होते हैं, तो इसके लिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ जो कि मैंने पहले से बता दिया। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमें मतलब हैकिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो हम आपको बता देते हैं। हैकिंग कोई भी बुरी चीज़ नहीं है। हैकिंग मेनली होती क्या है कि अगर आप किसी वेबसाइट या किसी एप्लीकेशन के बग निकालोगे वो कि ओनर की परमिशन से और उन बग्स को ठीक करोगे, वो होती है हैकिंग। और वो कि हमारी जो वेब डिजाइनिंग है उसको डेवलप करने के लिए काम आती है और जो कि एप्लीकेशन है उनको डेवलप करने के लिए काम आती है। तो हम आपको बताते हैं कि होता कैसे है। ये सब हम करते हैं अपने काले लिनक्स में। और अगर हमें काले लिनक्स इंस्टॉल करने है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैं आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको बता दूं कि आपको काली कैसे इंस्टॉल करनी है। फर्स्ट लेक्चर है और इसके बाद हम आपको रेगुलर लेक्चर्स देते रहेंगे इसी चीज़ के कि आपको आगे क्या से क्या करना है। अगर हम आपको बता दें कि आपको कैसे डाउनलोड करनी है काले लिनक्स, तो हम सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करेंगे। वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करने के लिए हमें यहाँ पे वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वेबसाइट पे जाने के बाद हमें यहाँ से अगर हम ये अपना OS यूज़ कर रहे हैं तो हमें OS के लिए, और अगर विंडो यूज़ कर रहे हैं तो विंडो के लिए। जैसे कि हमने यहाँ पे विंडो के लिए यहाँ पे है इसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे हम इसको डाउनलोड करेंगे, मैंने यहाँ से पहले किया हुआ है ये डाउनलोड। अगर मैं इसको आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, ये हमारा यहाँ पे ओपन हो रहा है और हम इसको इंस्टॉल करते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने इंस्टॉल हो रहा है। आपको आगे इसी चीज़ के लेक्चर्स मिलते रहेंगे, इसको आप कंटिन्यूसली देखते रहें अपने कोर्स, इस कोर्स को आप देखते रहें, आपको आगे लेक्चर्स मिलते रहेंगे। फर्स्ट लेक्चर है और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये कोर्स सीखना है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। हम इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के लिए हम नेक्स्ट नेक्स्ट पे इसको इंस्टॉल करेंगे। और जैसे हमारा इंस्टॉल हो जाएगा हम इसको इंस्टॉल करते हैं। देखो ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है। और सेकंड हमें क्या करना है, अगर हम जैसे अपने USB के लिए हम यूज़ करते हैं अपने USB माउस या USB कीबोर्ड्स या वायरलेस कीबोर्ड्स, हमें वो सब यूज़ करना है इसमें। जैसे हमारे पास ये लिखा रहा है, हम इसको इंस्टॉल करेंगे और हमें वो सब यूज़ करना है अपने काले लिनक्स के अंदर। तो हमें उसके लिए एक और डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ पे ये डाउनलोड होकर फिनिश इसको कर देते हैं, ठीक है। और हमें उसके लिए एक चीज़ और फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो कि आपको फाइल यहाँ पे मिलेगी, ये रहा वर्चुअल 6.1.14 ओरेकल VMware एक्सटेंशन पैक। हमें ये डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर हम इसको डाउनलोड नहीं करेंगे तो हमारी USB वगैरह नहीं चलेंगे। इसमें लिख रखा है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, सपोर्टेड फॉर USB 2.0, USB 3.0 डिवाइस, वर्चुअल बॉक्स, RDP एंड डिसकनेक्शन एनक्रिप्शन, ये सब इसमें आपको मिल जाएगा। हम इसको यहाँ से ये लिंक दिया गया इस पर क्लिक करेंगे, हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लिया, मैं इसको ओपन करूँगा और इंस्टॉल करूँगा। जैसे हमारे यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है कि इसको इंस्टॉल करने के लिए, हम इसको इंस्टॉल करते हैं। और इंस्टॉल करने के लिए हम इसकी परमिशंस, जो भी इसका लाइसेंस है, लाइसेंस को अच्छे से पढ़ के फिर इसको एग्री कर दीजिएगा। और एग्री करने के बाद हमारा ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आप देख सकते हैं हमारा वर्चुअल बॉक्स रेडी। हम इसमें कॉल इंस्टॉल करेंगे और आप इस पे बने रहें चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको आगे इसी चीज़ का नेक्स्ट लेक्चर दे दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।